इस वक्त मैं ग्राउंड पर ले जाना चाहती हूँ। मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी हमारे साथ हैं चमकौर साहिब से। सीएम चन्नी की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और आप देखते हैं जिस दिन जनता जनार्दन को फैसला करना होता है, नेता पहुंचते हैं, भगवान की शरण में पहुंचते हैं, प्रार्थना करते हैं। थोड़ी देर पहले गुरुद्वारा पहुंचे थे, लगातार तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं उनकी, और जो पत्रकारों ने उन पर सवालों की बौछार की उस पर उनका क्या जवाब रहा वो भी हमने आपको सुनवाया। रवि त्रिपाठी, हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, गुरुद्वारे पहुंचे, मंदिर पहुंचे, नेता भगवान की शरण में, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए तो चुनौतियां बड़ी हैं, चरणजीत सिंह चन्नी के लिए भी चुनौती जो है वो काफी बड़ी है। बिल्कुल सही कहा आपने, देखिए मत्था टेक रहे हैं। कल रात से अगर आप देखें तो कल शाम में भी हो गए गुरुद्वारे, आज सुबह से लगातार अगर हम उनके काफिले के साथ से अभी रुके हैं क्योंकि उनका काफिला आगे निकल गया है, और जगह जगह जाकर गुरुद्वारे में मत्था टेक रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी भगवान के भरोसे ही है, उनको लग रहा है भगवान ही उनको बचा सकते हैं, इसी हिसाब से उनका मत्था टेकने का दौर चल रहा है। और देखिए पूजा पाठ लोग हर पार्टी के लोग करते हैं, चुनाव के दिन भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं, मत्था टेकते हैं, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी की बात करें तो बहुत मुश्किल में है। दोनों सीट जहां से चुनाव लड़ रहे हो, चमकौर साहब हो चाहे दूसरी सीट है, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आप बता पाएंगे तस्वीरें कहां की हैं, और साथ ही इन तस्वीरों से क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कहते हैं राजनीति में कोई भी तस्वीर बिना मायने के नहीं होती, राजनीति में हर तस्वीर का बहुत डीप मीनिंग होता है, गहरा मतलब होता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ना आपको कि जिस तरह से ये चन्नी साहब लगातार मत्था टेक रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, कल रात की जो आखिरी तस्वीर उन्होंने ट्वीट की थी वो भी गुरुद्वारे में जाने की थी, चमकौर साहब गुरुद्वारे की, और आज सुबह भी लगातार सुबह से वो कई जगह कई गुरुद्वारे जाकर लगातार मत्था टेक रहे हैं। इसका मैसेज साफ है कि चन्नी साहब भगवान भरोसे है, उनको भगवान पर ही भरोसा है, भगवान ही उनको बचा सकते हैं। जितनी गलतियाँ उनकी पार्टी ने की है, जितनी गलतियाँ उन्होंने की है उनकी तरफ से, उनमें जो लड़ाई पार्टी में दिख रही है, तो अब भगवान भरोसे है। दोनों सीटों पर उनकी चुनौती है, चमकौर साहिब जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ उनके सामने जो कैंडिडेट है उनका नाम भी चरणजीत सिंह है, जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है। दूसरी जगह से जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि दोनों मालवा रीजन है, लेकिन दोनों जगह से अगर मुख्यमंत्री की सीट फंसी हुई दिखे तो ऐसे में भगवान के अलावा और कोई नहीं बचा सकता है, और चरणजीत सिंह चन्नी की पार्टी भी कहीं ना कहीं भगवान भरोसे है। और चरणजीत सिंह चन्नी बार बार अपने दर्शकों से कह रहे हैं, वोटर से कह रहे हैं कि आप इस वक्त नेताओं के लिए आप भगवान से कम नहीं है, भगवान के शरण में वो पहुंचे क्योंकि उन्हें आपका वोट चाहिए, आपको जिसे वोट देना है आप दीजिए, नेताओं का आकलन कीजिए, उन्हें पास और फेल कीजिए, लेकिन घरों से निकलिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। और आपको साथ ही ये भी बता देते हैं इस वक्त जो बड़ी खबर है, पंजाब में वोटिंग अब से बस थोड़ी देर में शुरू होने जा रही है, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अपील की गई है ट्वीट के माध्यम से कि पंजाब का एक स्वर्णिम व गौरवशाली इतिहास है जिस पर हर भारतीय को गर्व है, मैं पंजाब के मतदाताओं से अपील करता हूं कि प्रदेश को सुरक्षित रखने के साथ यहां की सांस्कृतिक विरासत और गुरुओं की समृद्ध परंपरा को बढ़ाते हुए पंजाब व देश को एकजुट रखने वाली सरकार चुनने हेतु अवश्य वोट करें। तो वोट करने की अपील कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह भी। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।